हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं तुरई के छिलके की चटनी, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था तुरई की सब्ज़ी। तो आइए देखते हैं तुरई के छिलके की चटनी कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने तुरई का छिलका लिया है और दो टमाटर, टमाटर की जगह आप इमली भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिर मिर्च, और यह है जीरा, हींग, उसके बाद तिल्ली अराउंड दो टी स्पून है, लहसुन, ये मोटी वाली मिर्च है, हल्दी है तेल तड़का लगाने के लिए, उसके बाद नमक, एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है, जीरा, सरसों, करिया पत्ती और थोड़ा सा उड़द का दाल है, ये भी तड़का लगाने के लिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि तुरई का छिलका कैसे उतारते हैं। अब उसी छिलके को मैं हाथ से तोड़ रही हूँ, आप चाहो तो इसको बारीक चॉप भी कर सकते हो। सारी चीज़ें भून लेते हैं, उसके लिए मैंने रखा एक पैन, पैन जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने डाला एक स्पून ऑयल, ऑयल गर्म होते ही मैंने डाला है एक स्पून जीरा, जीरा क्रैकल होने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी तुरई का छिलका जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था या तोड़ लिया था, डाल के मैंने भुनूंगी। तुरई के छिलके में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, अगर हमें कोई चोट लगती है वो जल्दी भर जाती है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब उसी तुरई के छिलके में मैंने डाला है अराउंड 2 टीस्पून तिल्ली, लहसुन, हल्दी और मोटी वाली मिर्च। यहाँ पे मैंने मोटी मिर्च का इस्तेमाल किया क्योंकि ये थोड़ी कम तीखी रहती है, आप चाहो तो बारीक वाली जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट तीखा ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा कम डालना। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून ली हूँ 2-3 मिनट तक, उसके बाद मैंने डाला है नमक, नमक डाल के बाद मैंने डाला है 2 टमाटर, अगर आप इमली डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसी समय इमली डाल के अच्छे से भून लेना। अब मैंने इसे ढक के 2-3 मिनट तक पकने दिया है, उसके बाद ढक्कन निकाल के बीच बीच में चलाते हुए मैंने धीमी आँच पर इसे 4 मिनट तक और भुना है। कभी कभी टाइम ज़्यादा भी लगता है, वो डिपेंड करता है गैस के फ्लेम के ऊपर। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है, ठंडी हो गई है, अब मैं बना रही हूँ इसकी चटनी। इसकी चटनी बनाने के लिए मैंने डाला मिक्सी के जार में, ये चटनी रोटी, पराठा, चावल, नान सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से रहता है, और आप इसे स्टोर करके 2 दिन तक रख भी सकते हो। ये चटनी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बहुत जल्दी भी बनती है और बहुत हेल्दी भी है। अब चटनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है, इसे मैं निकाल रही हूँ बाउल में, बाउल निकाल के अब मैं इसे लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन रखा है, उसमें डाला है 1 स्पून ऑयल, ऑयल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने तड़के की सारी चीज़ें डाली है, जैसे ये क्रैकल हो गया, उसके बाद सूखी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग और करिया पत्ती डाला है। करिया पत्ती डाल के अब इस तड़के को मैं डालूंगी चटनी के ऊपर। ये चटनी जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी है, तो आप भी ये टेस्टी हेल्दी चटनी बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।